हेलो फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनसाइंड राइट शिफ्ट के बारे में, ठीक है, जिसका सिंबल तीन एंगुलर ब्रैकेट से मिलकर बना होता है और इसका जो एरो है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो वीडियो में डिस्कस काफ़ी कुछ करा था, लाइक अ लेफ्ट शिफ्ट विद अ नेगेटिव और पॉजिटिव और राइट शिफ्ट विद अ नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये बचा है अनसाइंड राइट शिफ्ट, तो इसमें भी हम नेगेटिव को लेके देखेंगे, चेक करेंगे उसके आउटपुट को, और पॉजिटिव को भी लेके चेक करेंगे और उसके आउटपुट को चेक करेंगे, देखेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और साथ ही साथ प्रोग्राम करके भी देखेंगे, जैसा कि इससे पहले हमने प्रोग्राम हर वीडियो में करा है। ठीक है, तो जो अनराइट शिफ्ट है वो कैसे साइन राइट शिफ्ट से मिलता जुलता है और कैसे डिफरेंस है, यानी कि ये जो है अनसाइन राइट शिफ्ट का सिंबल है और ये है हमारा साइन राइट शिफ्ट का सिंबल, तो इन दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटी हैं, क्यों इनकी जरूरत हमें पड़ी जबकि दोनों का काम एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंसी क्या है प्रोग्रामिंग में, कि क्यों हम इसको यूज करते हैं, बिट को शिफ्ट करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, तो वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बता दें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ कि जो हमारा साइन राइट शिफ्ट है वो काम क्या करता है। ठीक है, तो जैसा कि पहले हमने शिफ्टिंग के बारे में बताया था तो आपको तो बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा मेरे वीडियोस को देख के, तो इसको देखने में आपको कोई परेशानी, इसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सपोज अगर हम कोई पार्टिकुलर नंबर को लेते हैं 5, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, और इस वीडियो में हमें पॉजिटिव पर ही डिस्कस करना है और इसके बाद वाले वीडियो में हम नेगेटिव पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने एक नंबर लिया 5 जो कि पॉजिटिव है और इसको हमें करना है साइन राइट शिफ्ट, यानी कि ये पहले वाला है, तो 2 बिट इसको हम शिफ्ट करेंगे। पर इस वीडियो में हम अगर इसी नंबर पे अनसाइंड राइट शिफ्ट, यानी कि 3 हम एंगुलर ब्रैकेट के साथ यूज करेंगे और 2 बिट इसको शिफ्ट करेंगे, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, क्योंकि इस दोनों का आउटपुट सिमिलर ही आता है। तो जो ये हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दोनों का जब आउटपुट हमें सिमिलर मिल रहा है तो आखिर इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सवाल है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी कैसा क्यों हो रहा है। तो पहले हम जान लें कि अनसाइंड राइट शिफ्ट जो है ये 3 एंगुलर ब्रैकेट के साथ क्या है। ठीक है, तो जो टेक्निकल डिफिनेशन होना चाहिए अनसाइंड राइट शिफ्ट का, तो ये भी बिहेव करता है साइन राइट शिफ्ट जैसा। ठीक है, यानी कि इसका जो बिहेवियर है, इसका बिहेवियर है इसके जैसा है, ये भी बिट को शिफ्ट करता है राइट की तरफ, जैसा कि ये बिट हमारा शिफ्ट करता है, ये भी हमारा राइट राइट की तरफ ही शिफ्ट करता है। तो इसका कंपेयर मैं इससे इसलिए कर रहा हूं, इस अनसाइंड राइट शिफ्ट का कंपेयर मैं इससे इसलिए कर रहा हूं साइन राइट शिफ्ट, इसका जो सिंबल है ये है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, तो मैं इस ऑपरेटर का कंपेयर इससे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों का बिहेवियर सेम है, तो आखिर डिफरेंस क्या है इसके बारे में वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है ये क्या काम करता है, कि ये एक ऐसा ऑपरेटर है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं शिफ्ट द बिट टुवर्ड द राइट मोस्ट, यानी कि ये भी काम वही करता है बिट को शिफ्ट करना किधर, राइट की तरफ, और ये नेगेटिव नंबर पे भी काम करता है, पॉजिटिव नंबर पे भी काम करता है, पर पॉजिटिव पे काम करता है तो ये
साइन राइट शिफ्ट की तरह बिहेव करता है, सिमिलर। लेकिन जब नेगेटिव पे काम करता है तो इसके आउटपुट बहुत ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वाले का डिस्कस हम नेगेटिव वाले वीडियो में करेंगे, फिलहाल हम पॉजिटिव पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी पार्टिकुलर नंबर को राइट शिफ्ट करना है किस सिंबल से, अनसाइंड राइट शिफ्ट सिंबल से 2 बिट, तो हमारे आउटपुट क्या आने चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बाइनरी के बारे में पहले जानेंगे। जैसा कि हर वीडियो में मैंने आपको मेंशन करा कि जो बाइनरी हमारा जो नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है 0 और 1 से, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है 0 और 1, जिसका मतलब ये होता है, 0 का मतलब होता है करंट का फ्लो नहीं होना, ये सर्किट में करंट को फ्लो को रोक देता है 0 का मतलब, और 1 का मतलब होता है कि करंट का फ्लो होना। हालांकि 0 भी एक वैल्यू है, पर ये जब आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे और गेट्स के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो पता चलेगा कि 0 भी एक ऐसा वैल्यू है जो लास्ट में करंट को ये भी फ्लो कराता है। कैसे कराता है वो हम बाद में आपको बताएंगे जब हम लॉजिक गेट्स आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप इतना समझें कि ये करंट को रोक देता है और ये करंट को फ्लो कराता है, ठीक है। तो इसी के कॉम्बिनेशन से हमारा बिट बनता है। हर एक वैल्यू, हर एक जो हमारे नंबर है बाइनरी के 0 और 1, वो एक बिट है, एक सिंगल बिट है, और ये एक इंफॉर्मेशन है किसी डेटा का, मतलब ये कोई डेटा का बाइनरी है, हो सकता है कोई भी एक पार्टिकुलर नंबर हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारा सिस्टम के अंदर जो डेटा ट्रैवल होता है, मैनिपुलेट होता है, वो बाइनरी के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा नंबर 10 जो कि एक पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव है, पर हमें अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है 10 को, तो हम कैसे जानेंगे कि वो बाइनरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपके पास एक सडन वे में कोई बाइनरी आ गया तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे, कैसे पहचानोगे कि ये बाइनरी नेगेटिव का है या पॉजिटिव का है, या सिस्टम इसको कैसे पहचानता है। तो उसका जो हल है, पहचानने का जो तरीका है, ये जो पूरी बाइनरी है इस एरिया को, यानी इस बाइनरी को जो फर्स्ट में एकदम है, इसको कहते हैं राइट मोस्ट, यानी कि लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहते हैं, इसको राइट मोस्ट कहते हैं, और इसको कहते हैं लेफ्ट मोस्ट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो जो हमारा लेफ्ट मोस्ट में बिट है, अगर ये बिट 0 है तो ये पूरी की पूरी जो बाइनरी है पॉजिटिव की बाइनरी है, किसी पॉजिटिव इंटीजर नंबर की बाइनरी है। अगर यही हमारा जो बिट 1 है तो ये जो पूरी बाइनरी है वो किसी नेगेटिव नंबर की बाइनरी है। अगर यहां कोई नंबर एक्स्ट्रा जुड़ता है वैल्यूज, तो अभी हमारा लेफ्ट मोस्ट ये 0 है, अगर ये हटेगा तो ये 0 है, अगर ये हटेगा तो लेफ्ट मोस्ट 1 हो गया, अगर ये भी हटेगा तो लेफ्ट मोस्ट ये 1 हो गया, अगर ये भी हटेगा तो लेफ्ट मोस्ट हमारा ये 0 हो गया। तो जो हमारा सबसे लास्ट में नंबर होता है डिजिट 0 या 1, वो हमारा होता है लेफ्ट मोस्ट। और किसी भी बाइनरी के लेफ्ट मोस्ट में अगर 0 है तो उस बाइनरी को हम कहेंगे कि वो किसी पॉजिटिव नंबर का है, और अगर 1 है तो हम कहेंगे कि वो किसी नेगेटिव नंबर का बाइनरी है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान होती है, सिस्टम हमारा ऐसे इसको पहचानता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा नंबर है ये 10, ठीक है। सपोज अगर हम कोई नंबर लेते हैं 17, ठीक है, और मुझे इस नंबर की बाइनरी को शिफ्ट करना है 2 बिट सपोज, ठीक है। अगर हम 17 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कुछ बाइनरी होगा 1001, ठीक है, ये एक 17 की बाइनरी है। तो जैसा कि मैंने आपको रूल्स बताया है किसी भी बाइनरी को पहचानने का, कि अगर उसके लेफ्ट मोस्ट में 1 है तो वो है नेगेटिव, और अगर 0 है तो वो है पॉजिटिव। तो हमारा यहां पर लेफ्ट मोस्ट में है 1, डैट मीन्स ये पूरी जो बाइनरी है ये है नेगेटिव नंबर की, पर हमने तो निकाला है पॉजिटिव 17 की बाइनरी। तो सिस्टम इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, कैसे समझेगा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा।
कि मैंने पॉजिटिव नंबर की बाइनरी को कन्वर्ट करा है और वो एक्सेप्ट कर रहा है एज अ नेगेटिव, तो हमारे आउटपुट डिफरेंट होंगे। तो एक्चुअली में ये कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। हमारा जो सिस्टम का जो आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है, कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो आपके किसी भी डेसिमल नंबर की बाइनरी को एक्सेप्ट करेगा 4 बिट के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अगर आपका सिस्टम 16 बिट है तो वो टोटल 16 बिट क्रिएट करेगा, और अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो वो क्या करेगा, 32 बिट आर्किटेक्चर क्रिएट करेगा और इस फॉर्म में आपका नंबर एक्सेप्ट करेगा। दैट मींस अगर आपका सिस्टम 16 बिट है और आपको एक नंबर करना है प्रेस कीबोर्ड से 1, तो हमारे सिस्टम के अंदर ये जो नंबर है सिस्टम को एक्सेप्ट कैसे करेगा, 1 की बाइनरी होती है 1, तो ये टोटल 16 बिट के फॉर्म में नंबर हमारा सिस्टम के अंदर ट्रेवल करेगा थ्रू बस, मतलब जो वायर होता है उसके थ्रू, ठीक है। अगर ये है 101010 की बाइनरी, अगर हम 10 प्रेस करेंगे तो हमारा नंबर कुछ सिस्टम में कैसे जाएगा, 1010, ये होगा टोटल बाइनरी ऑफ 10। तो ये जो एक्स्ट्रा जीरो है ये सिस्टम अपने पास से ऐड करेगा, क्योंकि ये सिस्टम का आर्किटेक्चर ही कुछ ऐसा है और इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि किसी भी बाइनरी नंबर को वो एक्सेप्ट 16 बिट के फॉर्म में करे, नहीं तो 32 बिट के फॉर्म में करे, मतलब 16 बिट में, नहीं तो 32 बिट में। अगर आपका सिस्टम का आर्किटेक्चर 64 बिट है तो आप समझ ले कि इसका डबल, अभी डबल आर्किटेक्चर के फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट करेगा, मतलब इसका डबल कर देंगे फिर लास्ट में 10 की बाइनरी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम का आर्किटेक्चर है जो नंबर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो जो सबसे कम हमारा बिट है वो है 8। अभी का जो सिस्टम हमारा जो नंबर एक्सेप्ट करता है वो 8 बिट के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा जो सिस्टम का आर्किटेक्चर है 32 64, जो भी याद रहे 4 के कॉम्बिनेशन में एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका आउटपुट डिफरेंट होगा, ठीक है। अभी जो सिस्टम का आर्किटेक्चर है वो 8 बिट के एटलीस्ट फॉर्म में जा रहा है डेटा, ठीक है। तो ये जो नंबर है हमारा 17 की बाइनरी है जो कि पॉजिटिव जैसा दिख, नेगेटिव जैसा दिख रहा है क्योंकि इसके लेफ्ट मोस्ट में 1 है, तो इसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, ये नंबर जब यहां सिस्टम को जाएगा तो इसमें टोटल 5 बिट है। अब ये क्या होगा, इसको 8 बिट बनाने के लिए सिस्टम अपने पास से एक्स्ट्रा 3 बिट यानी 3 बिट और ऐड करेगा, अब ये हो गया टोटल 8 बिट। अगर हम इसको 4 के रूप में कंबाइंड कर दें तो ये आपका डेटा कुछ बाइनरी ऐसा दिखेगा, ये है हमारा 17 का बाइनरी, क्योंकि ये मैंने पॉजिटिव का निकाला था तो अब ये पॉजिटिव जैसा दिख रहा है क्योंकि इसके लेफ्ट मोस्ट में है 0। ये हमारा बन गया पॉजिटिव बाइनरी ऑफ 17 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे पॉजिटिव पे काम करना है तो इसके बिट को शिफ्ट करना है राइट, कैसे, अगर हमारा क्वेश्चन है 17 अनसाइंड राइट शिफ्ट 2 बिट, यानी कि ये अनसाइंड राइट शिफ्ट का सिंबल है, जिस बाइनरी को, जिस नंबर की बाइनरी को शिफ्ट करना है उसको लिखेंगे लेफ्ट में और जितना बिट शिफ्ट करना है उसको लिखेंगे ऑपरेटर के राइट में। तो अब ये हमारे 17 की बाइनरी को 2 बिट शिफ्ट करेगा, मतलब ये हमारा है बाइनरी ऑफ 17। तो कैसे हमारा बिट शिफ्ट होगा उसके बारे में जानते हैं, तो पहले हम इसको अरेंज करते हैं लॉजिक गेट्स में, ठीक है, 0001, ठीक है, ये हमारा लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, मैं फिर बता दे रहा हूं कि लॉजिक गेट एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जहां हमारा सिस्टम के अंदर बिट स्टोर होते हैं ताकि डेटा हमारा मैनिपुलेट हो, ठीक है, ट्रांसफर हो, स्टोर हो या और भी ऑपरेशन या टास्क
परफॉर्म होते रहें, राइट। तो अब हम इस बिट को पहले अरेंज करते हैं लॉजिक गेट्स में, ठीक है। हमारे लॉजिक गेट्स में डेटा कुछ ऐसे ट्रांसफर होते हैं, स्टोर होते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 17 की बाइनरी को 2 बिट करना है शिफ्ट राइट की तरफ। तो जो हमारा डेटा यानी कि जो हमारी बाइनरी है, ये हमारी जो बाइनरी है ये टोटल बाइनरी 8 बिट की है और ये राइट की तरफ शिफ्ट होगी। डैट मीन्स ये बाइनरी इधर से इधर की तरफ मूव होगा, ठीक है। तो जब ये बाइनरी जब मूव होगा तो अगर इस बाइनरी को हम यहां ला के स्टोर करते हैं तो ये शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि ये उसी स्टोरेज पे खड़ा है। शिफ्ट का मतलब अगले स्टोरेज में जाना। तो इस बाइनरी के पास अगला कोई स्टोरेज नहीं है तो ये बाइनरी जब 1 बिट शिफ्ट होगा तो ये लॉस्ट हो जाएगा। क्या होगा? लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि हमें 2 बिट शिफ्ट करने हैं तो हम इस दोनों बिट को शिफ्ट करेंगे। अगर बात 1 बिट शिफ्ट करने की होती तो सिर्फ ये शिफ्ट होता। तो जब ये भी शिफ्ट होगा, इसके पास कोई स्टोरेज नहीं है तो ये भी लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दोनों बिट लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि ये यहां से 2 कदम आगे बढ़ा, फिर ये यहां से 2 कदम आगे बढ़ा, तो ये लॉस्ट हो गया। तो तीसरा जो बाइनरी है वो आ जाएगा पहले में, और जो चौथा बाइनरी शिफ्ट होगा तो वो आएगा दूसरे में। देखिए 2 बिट शिफ्ट हुआ मतलब 2 स्टोरेज खाली, अब ये आएगा तीसरे में। ऐसे करके सारे बिट शिफ्ट होंगे अपने अपने बगल वाले स्टोरेज में जो 2 कदम चल के होंगे। तो जब हमारे 2 बिट शिफ्ट हुए तो यहां 2 बिट दो स्टोरेज एरिया लॉजिक गेट्स खाली हो गए। पहले हम इस बिट को अरेंज कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये 0 0 1 0, ये आया 0 यहां पे, फिर ये आया 0 यहां पे, ठीक है। हमारे बिट हो गए शिफ्ट, पर यहां क्या है अभी 8 बिट हमारे बचे हैं। 2 बिट लॉस्ट हो गए, तो जो बिट लॉस्ट हो गए उनको कहते हैं डिस्कार्टेड बिट या लॉस्ट बिट। सिस्टम को बनाना है कंप्लीट 8 बिट, तो सिस्टम क्या करेगा जब शिफ्ट होंगे तो ये यहां पर एक्स्ट्रा जो बिट होंगे उसमें सिस्टम अपनी तरफ से 0 ऐड करेगा, ठीक है, 0 ऐड करेगा। तो 0 जब ऐड हुआ लेफ्ट की तरफ से क्योंकि यहां स्टोरेज खाली थे, तो अब हमारा जो सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है 8 बिट कंप्लीट बना चुका है बाइनरी को, ठीक है। तो शिफ्ट होने के बाद हमारी बाइनरी कुछ ऐसे दिखेगी जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। यानी कि अगर हम इस 2 बिट को अगर हम शिफ्ट करते हैं, यहां से हटा देते हैं, तो ये हो गए लॉस्ट। तो यहां से हमें 2 बिट एक्स्ट्रा ऐड हो गए, राइट। तो अगर हम इसको 4 में अरेंज कर दें, 4 बिट में अगर हम इसको अरेंज कर दें तो हमारा कुछ जो बाइनरी होगा ऐसा दिखेगा। 4 टाइम 0, उसके बाद 0100। तो ये अब हो गया बाइनरी किसका, 17 का। कैसे हुआ? आफ्टर 2 बिट शिफ्ट, राइट। ये 2 बिट जब शिफ्ट हुए तो 17 की बाइनरी कुछ इस तरह दिख रही है। तो अगर अब हम इसको, इस बाइनरी को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आउटपुट देखने के लिए कि हमारा वैल्यू कितना आया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका जो कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। ये स्टार्ट होगा सबसे पहले लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से काउंट होना, यानी कि लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट से, ठीक है। तो राइट मोस्ट पे हमारा है 0, इस पे पावर 0 है, तो 0 को हम नहीं लेंगे, यानी कि ये जो बिट है 0 बिट उसको नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी नंबर से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही आएगा, तो इसका लेने से कोई फायदा नहीं है। तो हम काउंट कर लेंगे, ये है 0, ये है 1 पोजीशन पे, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, पावर 3 है,
पावर 4 है, पावर 5, पावर 6 एंड पावर 7। तो हमें सिर्फ 1 उठाने हैं क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है यहां पे, ठीक है। तो 1 किस 1 पे पावर कितना है, 0, 1, 2, यानी कि 2 पे पावर 2 है, राइट, इक्वल टू 1 इंटू, ठीक है, 0, 1, 2, यानी कि 2 पे 1 पे पावर 2 है, दैट मीन्स 2 पे पावर 2, ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 4। तो अब ये जब बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो हमारे आंसर आएंगे 4। इसका मतलब अगर 17 की अगर बाइनरी को 17 की बाइनरी को अगर हम 2 बिट शिफ्ट करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है कितना आता है, 4। चलिए हम इसका करके देखते हैं प्रोग्राम कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। जैसा कि मैंने प्रोग्राम बनाया है उसको मैं समझा दे रहा हूं। मैंने एक क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम है D4। इस क्लास के अंदर मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करने हैं 17, क्योंकि हमें 17 को शिफ्ट करना है इसके बिट को, तो x में आ गया 17। एक मैंने मेथड क्रिएट किया है डिस्प नाम का, जिसके मेथड बॉडी के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है, ठीक है, राइट शिफ्ट, मैं यहां लिख रहा हूं अनसाइन राइट शिफ्ट, ठीक है, जिसका सिंबल होता है 3 एंगुलर ब्रैकेट से मिलकर जो बना है। अब हम क्या करेंगे, x में हमारा है 17 और यहां हमने यूज करा है अनसाइंड राइट शिफ्ट जो 3 एंगुलर ब्रैकेट हैं और 2 बिट हमने शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। फिर हमने मेन मेथड क्रिएट किया है, मेन मेथड के अंदर मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने डिस्प मेथड को कॉल किया है, तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए, प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं, आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो है 4, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर 4, अगर हम 17 के बिट को, पॉजिटिव नंबर के बिट को अगर हम शिफ्ट करते हैं 2 बिट तो हमारा आउटपुट आएगा 4, राइट। अब हम इसका कंपेयर करेंगे साइंड राइट शिफ्ट से, तो इसका भी आंसर आएगा 4, क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर है विथ पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर के साथ सिमिलर है लेकिन नेगेटिव नंबर के साथ इसके जो आउटपुट आएंगे काफी डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो हम एक बार पॉजिटिव नंबर से करके देखते हैं। मैं इसके साइन को, यहां पर मैंने 3 एंगुलर ब्रैकेट यूज किए हैं, एक हम हटा के कर देते हैं 2। अब ये हो गया हमारा सिर्फ साइन राइट शिफ्ट, ठीक है। अब ये हमारा हो गया साइन राइट शिफ्ट जिसका सिंबल है 2 एंगुलर ब्रैकेट। अब हम इसके प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है 4। तो पता चला कि साइन राइट शिफ्ट एंड अनसाइंड राइट शिफ्ट पॉजिटिव नंबर के साथ बिहेव सेम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे नेगेटिव नंबर के साथ जिसके आउटपुट डिफरेंट आएंगे, तो आउटपुट डिफरेंट क्यों आएंगे वो भी जानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसमें कोई आपको क्वेश्चन नहीं है, डाउट नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको एक बिट शिफ्ट करोगे, अगर 17 के एक बिट को हम शिफ्ट करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके एक बिट को अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो बस आप एक बिट को शिफ्ट करिए, ठीक है। अगर यहां पर हमारा है 17 की जो बाइनरी है ये तो 2 बिट शिफ्ट हो गई है, ठीक है, तो यहां से एक जीरो एक्स्ट्रा और ऐड कर लें और यहां से एक जीरो हटा दें, ये हो गया कंप्लीट 3, 3, 6 एंड 2, 8, ठीक है। अब इस ये किस पोजीशन पर है, अगर हम 1 बिट शिफ्ट करेंगे तो 0, 1, 2, 3, अब ये 1 आ गया हमारा 3 पोजीशन पे। अगर हम 1 बिट शिफ्ट करेंगे तो हमारा 2 पे पावर होगा 3 जिसका आउटपुट होगा 8, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं इसका आउटपुट कितना आना चाहिए अगर हम यहां पर 1 बिट शिफ्ट करेंगे 17 का,
हमने इसको चेंज कर दिया 2 से 1 क्योंकि 1 बिट शिफ्ट करना है, और हम यहां अनसाइन राइट शिफ्ट यूज कर रहे हैं और इसका आउटपुट देखते हैं तो हमें आना चाहिए 8। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है 8 क्योंकि हमने 1 बिट शिफ्ट किया है। इससे पहले 2 बिट शिफ्ट किया था तो हमारा आउटपुट आया 4। यही काम अगर हम दो एंगुलर ब्रैकेट के साथ यानी कि साइन राइट शिफ्ट के साथ अगर हम करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। अगर हम साइन राइट शिफ्ट के साथ एक बिट करेंगे तो हमारा आउटपुट देख सकते हैं हमारा ये साइन राइट शिफ्ट आउटपुट आ रहा है 8। दैट मीन्स ये दोनों सिंबल सिमिलर बिहेव कर रहे हैं विद अ पॉजिटिव नंबर, लेकिन ये बिहेव करेंगे डिफरेंट नेगेटिव नंबर के साथ, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने कवर कर दिया है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में डाल सकते हो या पर्सनली मुझे मेल भी कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग सीखने की अगर इच्छा हो तो आप इसके लिए मुझे भी कमेंट कर सकते हो, या किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बता दूं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंसी क्या है। तो हम जानते हैं ये जो शिफ्टिंग का जो काम है, बिट को शिफ्ट जो करने की जरूरत पड़ती है, वो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। किसी डेटा को इनक्रिप्ट करना या डिक्रिप्ट करना, डेटा को कंप्रेस करके छोटा करना, कंसाइज करना ताकि वो कम स्पेस ले, उसमें भी शिफ्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। ग्राफिक डिजाइन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ये डेटा को छोटे छोटे पॉकेट्स में ट्रांसफर करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, तो वहां भी लॉजिकली डेटा कम्युनिकेट होता है, स्टोर होता है छोटे छोटे पॉकेट्स में या सॉकेट्स में, ठीक है। ग्राफिक पिक्सल वैल्यूज मूवमेंट लेफ्ट टू राइट, ठीक है। स्पेशली जो हमारा अनसाइंड राइट शिफ्ट है, इसको ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम किसी मैप को या किसी ग्राफिक्स को लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहां पर इस बिट का काम बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि इसकी जरूरत क्या थी। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो मुझे आप कमेंट करना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि अपकमिंग में बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले, ठीक है। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।